हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन शुरू हो गया है, जो कि सेशन 2021 से 24 वाले जितने भी छात्र हैं, इस बार जो भी छात्र ट्वेल्थ में पास किए हैं, वह पिछले वो बहुत सारे जैसे छात्र होते हैं जो कि ट्वेल्थ कर लेते हैं और किसी कारणवश वह एडमिशन नहीं करा पाते हैं ग्रेजुएशन में, तो उन सभी के लिए सुनहरा मौका निकला है। आप अपना नामांकन कर सकते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं तो, क्योंकि यह सेशन आप सभी का होगा 2021 से 24। तो कैसे नामांकन करना है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा कि इसमें कैसे आप सभी को नामांकन करना है। आप बिना साइबर कैफे गए घर बैठे मोबाइल से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं केवल मोबाइल से ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल से आप सभी को अपने क्रोम ब्राउजर में लिखना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, या आप टाइप कीजिएगा ppu.ac.in तो आपको यह लिंक ओपन हो जाएगा, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, वहाँ पर होगा, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर पर स्टूडेंट पोर्टल। आप सभी को मोबाइल से कर रहे हैं तो उसे डेस्कटॉप मोड में जरूर कर लें। यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल दिख रहा है, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ऊपर ही वाला देखिए, यहाँ पर लिंक दिया गया है कि स्नातक प्रवेश आवेदन यूजी एडमिशन 2021 आप सभी का यहाँ पर एप्लीकेशन थी, इस पर आप सभी को सिंपल से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक सूचना आएगा, सूचना को स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यह फॉर्म भरने के लिए फादर्स नेम, माता नाम, माता का नाम, रिलीजन, श्रेणी, उसके बाद सब कैटेगरी, उसके बाद आप सभी का अल्पसंख्यक श्रेणी, आप सभी का मिलिट्री श्रेणी होता है, और उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर, आप सभी का वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल जितना डॉक्यूमेंट दे रहा है इंपॉर्टेंट है और सब आपके पास होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको नहीं लगेगा, जैसे कि जनरल वालों का कैटेगरी या नहीं लगेगा, ये या जाति होती है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर होना चाहिए, उसके बाद एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद आप सभी का ऑब्जेक्शन मार्क होना चाहिए हाई स्कूल का, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद कॉलेज एंड कोर्स, आप कौन कॉलेज और कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं, ये सब आप सभी को पहले से ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट बोर्ड, यहाँ पर दिया गया है ट्वेल्थ पासिंग ईयर, यहाँ पर दिया गया ट्वेल्थ एग्जामिनेशन रोल नंबर, फिर से रोल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चर फिल करना है, यहाँ पर यस पर टिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसमें बहुत सारा बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे, या आप CBSE से हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे CBSE। तो आपको जो सेलेक्ट करना है उस पर देख लेना, जैसे कि आप बिहार बोर्ड का छात्र है तो यहाँ पर बिहार बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, यहाँ तो लोकेशन बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर पासिंग ईयर आप सभी को देख लेना है, तो आप जिस भी ईयर में पास हुए हैं, यहाँ तक कि 1945 में भी आप ट्वेल्थ पास किए हैं, अगर आप इस बार भी ग्रेजुएशन में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो जैसे यह छात्र 2016 में पास हुआ है, चलिए यहाँ पर उसका रोल नंबर डाल देते हैं, फिर और उसके बाद फिर से रोल नंबर डालते हैं, री इंटर रोल नंबर कर रहा है डालने के लिए, दो बार री इंटर रोल नंबर कर रहा है डालने के, दो बार डालेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप सभी को बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मैंने बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप सभी का पासिंग ईयर जो भी आप पास किए होंगे, जैसे कि इस बार में इंटर का एग्जाम पास किए हैं तो उनका 2021 होगा, और जो पिछले साल पास किए होंगे उनका 2020 होगा, तो इसी अकॉर्डिंग आप सभी को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को रोल कोड डालना है, यहाँ पर रोल नंबर, फिर इसे री इंटर कर रहा है करने के लिए, यानी यहीं पर फिर रोल कोड और यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद आप सभी को क्या करना है, अच्छा तरह से कैप्चर फिल कर दीजिए, फिल करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा विंडो खुल गया, यहाँ पर लिख रहा है प्लीज री वेरीफाई योर डिटेल्स, यहाँ पर आप सभी को दिखा देगा पासिंग ईयर, रोल नंबर ये दिखा देगा, अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर आपको गलत लग रहा है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके बैक जाकर फिर से सुधार कर सकते हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्यार्थी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, और उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप सभी को कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आप सभी को उप श्रेणी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर नो एप्लीकेंट होगा,
और उसके बाद आप सभी को नो पर क्लिक कर देना है जैसे कि यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नेम ये सब फिल करने के बाद मैंने सब फिल कर दिया, जैसे कि यहाँ पर नाम डाल दिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर और उसके बाद रिलीजन, यहाँ पर कैटेगरी डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी नो रहेगा, यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर दे रहा है कि मूल निवास आप सभी को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपके कौन से राज्य से हैं तो यहाँ पर राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी का मूल निवास का प्रमाण पत्र यहाँ पर अगर होगा आपके पास तो डालना है, नहीं होगा तो नहीं डालिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यह हो पाता है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आधार संख्या है, अगर होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सब छोड़ देना है, जो यहाँ पर स्टार लगा होगा वहीं आप सभी को फिल करना नेसेसरी है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार लगा है इसे फिल करना नेसेसरी है, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पर आप सभी को फिर से कह रहा है राज्य सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर आप सभी को डिस्ट्रिक्ट कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके आप सभी को दिखा रहा हूँ, सब आप सभी के सामने लाइव प्रूफ हो रहा है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप सभी को नॉलेज जो भी मिलेगा वह यहाँ पर प्रॉपर अच्छा तरह से नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अस्थाई पता डाल देना है, यहाँ पर भी आप सभी को अस्थाई पता डाल देना है। चलिए यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, जो आपका पिन कोड होगा वह डालना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर डाल देना है अच्छी तरह से। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके पास होगा मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कह रहा है ईमेल आईडी डालने के लिए, जो कि यह इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी डालना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया। आप सभी को अच्छी तरह से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है, जो कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, यानी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी को पासिंग ईयर डाल देना है, जैसे कि मैंने इंटर का डाला था 2016, इसलिए इसे 2014 से ऊपर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 2 साल का गैप होता है। यहाँ पर मैंने डाला था यहाँ पर 2014, इसका यहाँ पर मैट्रिक का पासिंग ईयर होगा। उसके बाद आप किस बोर्ड से किए थे ये भी आप सभी को डाल देना है, मैट्रिक किस बोर्ड से किए थे, और यहाँ पर मैट्रिक का रोल नंबर, और उसके बाद आप सभी का जो इसमें मार्क्स आया था वो डालना है, और उसके बाद मार्क्स ओबीडियंट डालना है। और उसके बाद फिर से आगे मैं आप सभी को फिल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए इसे स्किप कर रहा हूँ। चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल करने के लिए बोला था तो मैंने यहाँ पर पासिंग ईयर्स फिल कर दिया। यहाँ पर हायर एजुकेशन यानी आप सभी का हाई स्कूल का यहाँ पर सेलेक्ट करना था, तो मैंने बिहार बोर्ड सेलेक्ट करा दिया। यहाँ पर रोल कोड, यहाँ पर मैक्सिमम आम, यहाँ पर जो कि आप सभी का मार्क्स होता है 500 का, यहाँ पर मार्क्स में से आप सभी का कितना नंबर है यहाँ पर डालना था। उसके बाद आपने 12th वाला यहाँ पर पूछ रहा है कि पासिंग ईयर 2016 हो जाएगा, बिहार बोर्ड यह भी हो जाएगा, रोल नंबर यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इतना, और मार्क्स ओबीडियंट यानी कितना आप सभी का नंबर आया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय में पढ़ाई की है तो आप सभी को यस पर चयन करना होगा, तो यह छात्र है जो कि गणित लिया था। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, तो फोटो का यहाँ पर जो कि बता दिया आप सभी को, फोटो यहाँ पर रेजुलेशन होना चाहिए 150x150 पिक्सल में, और उसके बाद नो इमेज अवेलेबल यहाँ पर दिखा रहा है, और लेस देन 20 KB से कम होना चाहिए, तो 20 KB से कम होना चाहिए, और उसका रेजुलेशन 150x150 पिक्सल में होना चाहिए। तो आप पिक्सल लैब डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर फोटो का रेजुलेशन बना सकते हैं, वहाँ पर लिखिएगा 150x150 तो आप सभी का फोटो का साइज हो जाएगा, और वहीं से उसका यहाँ पर साइज भी कम कर सकते हैं। पर सिग्नेचर भी वही प्रोसेस है, 150x150 होना चाहिए और 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डालना है, उसके बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सब फिलअप कर देते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर डाल दिया है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा जो भी भरा गया है वह सही भरा गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी के माध्यम से साझा ना करें, या मोबाइल और सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि मोबाइल ओटीपी किसी को साझा ना करें। चलिए यहाँ पर आप सभी को यस पर क्लिक करना है कि मैं सहमत हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि कैप्चर फिल कीजिए, और उसके बाद अगर आप सही पाया गया आपका फॉर्म तो उसे आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम कैप्चर फिलअप कर दिए आप ही के सामने, और उसके बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर सब कुछ फिलअप कर दिया हूँ, फिर से आप सभी को देख लेना है एक एक यहाँ पर एक एक सेंटेंस को कि आप जो भी फिलअप किए हैं, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर राज्य, स्टेट, यहाँ पर जो एड्रेस, ये सब सही होना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत हो जाएगा तो आप सभी को सुधार कराने में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये सब सही होना चाहिए। उसके बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, अगर सही पाया गया तो आप सभी का एप्लीकेशन यहाँ पर सेव हो जाएगा। चलिए मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो गया। यहाँ पर लिख रहा है कि आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हेतु लॉगिन आईडी प्रदान की गई है, कृपया अपना पंजीकरण हेतु लॉगिन विवरण यहाँ पर नोट
में देखिए, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन आईडी मेरा दे दिया गया, इसे आप सभी को सुरक्षित, बहुत ही सुरक्षित इसे रखना है। और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड में क्या करा कि सेंड ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर पर जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं उस पर आप सभी को सेंड कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉग इन टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए आप अपने मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर जरूर देखें कि आपका पासवर्ड गया है या नहीं गया, नहीं गया है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसका पोर्टल कह रहा है कि आपका स्वागत है अभ्यर्थी लॉग इन पोर्टल में, आपका सभी का स्वागत है। 6 स्टेप दिया है, 2, 4, 6, 7 स्टेप दिया है, 7 स्टेप को आप सभी को अच्छी तरह से ध्यान में देख लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रवेश विवरण 21 से 22 अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश आवेदन रूप से ध्यान से पढ़े। यहाँ पर कह रहा है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी के पास उनका कक्षा 10वीं 12वीं का अंक पत्र साथ साथ, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज फोटो और उसके बाद सिग्नेचर होना आवश्यक है। अगला क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी अपने पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र स्वयं भरें अथवा साइबर कैफे में भरवाने की स्थिति में स्वयं वहाँ उपस्थित रहें। अगर आप साइबर कैफे में जाकर भरवा रहे हैं तो वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहना है या अपने स्वयं उसे भरें। उसके बाद क्या कर रहा है कि आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर आप सभी को पहले ही मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी गलती होता है तो आप खुद जिम्मेदार होइएगा इसके लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र की मांगी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें भरें, और यहाँ पर जन्मतिथि, लिंग, धर्म, मूल निवास, आरक्षण की विवरण अच्छी तरह से जाँच कर, यहाँ पर 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का मूल अंक प्रमाण पत्र अवश्य रखें। और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, यदि अभ्यर्थी समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति शुल्क, यहाँ पर और सब बताया गया जो कि आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट पर आप सभी को क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब यहाँ पर दिया गया, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो फिर से अपडेट कर देना कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर नहीं करना है तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। चलिए दस्तावेज अपलोड पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर दस्तावेज भी आ गया। उसके बाद हाई स्कूल का मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ पर इंटरमीडिएट का मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल्स डालना है। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर होता है और माइग्रेशन का जो कि आप सभी को किस दिन माइग्रेशन मिला उसका दिनांक डालना है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर दिखा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सभी को डालना है, यहाँ पर आप सभी को EWS सर्टिफिकेट डालना है। यहाँ पर अगला स्टेप आप सभी को पता ही था कि क्या करना था, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर मैंने जैसे कि बताया कि पहले ही अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हाई स्कूल का मार्कशीट आप सभी का 10th का लग रहा है तो यह आप सभी का 200 के बी से कम होना चाहिए तो अपलोड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 12th का मार्कशीट जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप सभी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो माइग्रेशन जो कि बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं उनका जो प्रोविजनल और माइग्रेशन दोनों साथ ही में होता है, तो आप यहाँ से क्रॉप करके ये भी डाल सकते हैं या साथ ही में डाल देंगे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दिया गया जो कि इसका नंबर है 1595-85, यहाँ पर मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो यहाँ पर पूछ रहा है माइग्रेशन रिटर्न दिनांक जो किस दिन इशू हुआ है, तो यहाँ पर इशू डेट यहाँ पर दिखाएगा 6/6/2018, तो यहाँ पर 6/6/2018 डालेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी डालेंगे और EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी डालेंगे, नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब पूछ रहा है आगे प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप में 12th यानी 10 प्लस मेन सब्जेक्ट आप सभी को डिटेल्स फिल करना है। 10th में आप सभी ने कौन सा विषय लिया था, तो यहाँ पर आप सब मैंने साइंस इसका लिया था, ये साइंस छात्र है। और उसके बाद यहाँ पर इसका मार्क्स दिखा देगा। चलिए यहाँ पर आप सभी को पूछ रहा है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मार्क्स, यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मार्क्स डालना है। जैसे कि यहाँ पर जो भी विषय आपने लिया था 12th में उस सभी का यहाँ पर पूरा मार्क्स डालना है। तो पूरा फिलअप करने के बाद आप सभी को दिखा रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट आप सब वीडियो को बने रहे, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मार्क्स, यहाँ पर जैसे कि आप सभी का सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कितना मार्क्स का एग्जाम है, कितना आया है, ये सब आप सभी को फिल कर देना है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स का होता है तो यहाँ पर अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, एक ही में डाल सकते हैं, अलग अलग करके डालिएगा बेटर रहेगा। उसके बाद आप सभी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, अगर आप सियोर हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। अगला अगर सही पाया गया तो अगले पोर्टल पर आप सभी को लेकर यह जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला पोर्टल पर लेकर चला गया। यहाँ पर आप सभी को पूछ रहा है कि सेलेक्ट कोर्स और उसके बाद एंड कॉलेज। चलिए यहाँ पर कोर्स आप कौन से लेना चाहते हैं, ऑनर्स लेना चाहते हैं, ऑनर्स है, डिग्री आप सभी किस ऑनर्स से लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहता है, उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है, पटना
तो आप सभी को कॉलेज चूज कर लेना है, 10 कॉलेज ऐसा चूज करना है जो कि आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जैसे यहाँ पर लिखा होगा CONS लिखा होगा, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कॉलेज, 10 कॉलेज ऐसा चूज करना हो आप सभी को जिस पे लिखा हो यहाँ पर, या इसका सीरियल नंबर के साथ CONS लिखना चाहिए, और 10 कॉलेज ऐसा होना चाहिए जिस पर अफिलिएट लिखना हो चाहिए, AFFL लिखा होना चाहिए। इस तरह आप सभी को कॉलेज चूज करना है। चूज करने के बाद आप सभी को क्या करना है, 20 कॉलेज इस तरह चूज कर लेना है, 10 कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, 10 आप सभी का अफिलिएट होना चाहिए। उसके बाद और दो अदर आप सभी का सब्जेक्ट यहाँ पर ऑनर्स पेपर भी होना चाहिए, दो अदर ऑनर्स पेपर, जैसे कि यहाँ पर सब इंग्लिश है मगर यहाँ पर दो ऑनर्स पेपर, इसका ही हिस्ट्री हो गया, एक और हिस्ट्री आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस तरह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका सही होगा, यहाँ पर ले जाएगा फी पेमेंट पर, मात्र 300 रुपया फी पेमेंट लग रहा है। यहाँ पर 300 रुपया डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड आप सभी को डालेंगे जो कि ऑलरेडी सेंड कर दिया गया आपके मोबाइल पर, तो देखते हैं कि हमारे मोबाइल पर पासवर्ड आया गया है। आने के बाद यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं उस पासवर्ड को डाल देना है अपने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है पासवर्ड को, तो यहीं पर आप उस पासवर्ड को डालना है। तो पासवर्ड क्या आया देख पा रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया पासवर्ड, तो ये पासवर्ड आ गया। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दे रहा हूँ, लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ये सब फी पेमेंट पर लेकर डायरेक्ट वहाँ पर ले जाएगा, जिस माध्यम से फी पेमेंट करना हो उस माध्यम से आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पर UPI माध्यम से या कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, UPI नंबर या आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, QR ओपन हो जाएगा, QR स्कैन करके भी इसे फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, UPI और पे के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर QR ओपन हो गया, इसे पेमेंट करने के बाद आप सभी को क्या करना है, यस के यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी का रिसिप्ट आ जाएगा, रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है और उसे अपने साथ रख लेना है, और जब भी कॉलेज से नोटिस आता है तो अपने 12th और मैट्रिक का डॉक्यूमेंट के साथ उस रिसिप्ट को आप सभी को कॉलेज में जमा कराना होगा, यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा या अपने कॉलेज में जमा कराना होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पेमेंट वाला आप सभी को वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।